जंगलों के बीच बसा 500 साल पुराना इतिहास, अनसुलझे रहस्यों का संग्रह, भक्ति के संगीत से गुलजार एक भव्य धार्मिक स्थल, कहानियों का सागर बेनी सागर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चाईबासा से लगभग 80 किलोमीटर दूर मझगांव प्रखंड में मौजूद ये पुरातन स्थल वो रहस्यमयी किताब है जो पर्यटकों के मन में रोमांच भरते हुए उन्हें अपनी ओर खींचती है। कहते हैं इस जगह का नाम बेनी सागर राजा बेनु के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था। ये तालाब करीब 340 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है, जिसमें चारों ओर खिले कमल के फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। स्थानियों की मानो तो तालाब के अंदर एक चांदी से बना मंदिर मौजूद है, परंतु अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस तालाब की कभी न सूखने की अद्भुत विशेषता इस स्थान के रहस्यों में से पहली रहस्यमयी कहानी है जो पर्यटकों के मन में कौतूहल पैदा करती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसंधान के दौरान पहले बेनी सागर से पत्थर पर उत्कीर्ण अभिलेख मिले जो ब्राह्मणी संस्कृति से मेल खाते हैं। पुरालिपिक विशेषज्ञों द्वारा इसकी पढ़ाई की गई, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र 5वीं से 12वीं सदी तक बसा रहा होगा। यहाँ वर्ष 2003 से लगातार वैज्ञानिक उत्खनन का कार्य चल रहा है। खुदाई के दौरान अब तक यहाँ कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिल चुकी है, जिनमें शिवलिंग, भैरव, सूर्या, गौतम बुद्ध, गणेश आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही यहाँ 50 एकड़ क्षेत्र में फैला मंदिर परिसर भी मिला है, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि यह इलाका अपने समय का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहा होगा। खनन के दौरान यहाँ मूर्तियों के अलावा मिट्टी के पेराकोट, मुहर, मैथुन शिल्प आदि भी मिले हैं, जिन्हें वहाँ बने म्यूजियम में संग्रहित करके रखा गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। म्यूजियम से कुछ दूर जाने पर पर्यटकों को पुरानी सभ्यता से जुड़े इमारतों से बचे हुए कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, जिनकी वक्र बनावट को देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पुराने समय का स्नान गृह हो। मैं सभी टूरिस्ट भाइयों और जो आर्कियोलॉजी से में विश्वास करते हैं या जिनकी रुचि है, उन सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो बेनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट आए। वहां पर अभी भी खुदाई चल रही है और हर रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, तो ये उनके जो आर्कियोलॉजी में जिनकी रुचि है उनके लिए भी रिसर्च का एक बहुत बढ़िया साइट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट उनके लिए होगा। तालाब के चारों तरफ पर्यटकों के सुविधा के लिए व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां बैठ पर्यटक प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का लुत्फ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने नाम की तरह ही यह स्थान रहस्यों का सागर है, जिनकी खोज आज भी पुरातत्व विभाग द्वारा जारी है। तो जिज्ञासा से भरे इस सफर पे आइए और इस अद्भुत अनसुनी कहानियों के संग्रह के साथ कुछ रोचक और मनोरंजक पल बिताइए।